हरे कृष्णा। तो अभी कार्तिक का महीना कल से जो शुरू होने वाला है, तो उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। कार्तिक का महीना तो परसों से शुरू होगा, कल तो आश्विन पूर्णिमा है, लेकिन कार्तिक महीने का जो व्रत है वो पूर्णिमा से शुरू करते हैं, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो इस दृष्टि से बड़ी पवित्र होती है कि इस तिथि को कोई कार्य आरंभ किया जाए। इसलिए पूर्णिमा से हम कार्तिक का जो व्रत है वो प्रारंभ करते हैं, नियमों का पालन शुरू करते हैं। तो पहला नियम कार्तिक का ये है कि रात्रि के पिछले प्रहर में जागना। तो पिछला प्रहर रात्रि का जो होता है वो होता है निशांत काल, जो 3:22 से शुरू होता है। तो अगर इस समय जाग सकते हैं कार्तिक के महीने में तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करिए। और फिर ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना। तो ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना, इसका मतलब है 3:22 पर उठना और अपना नित्य कर्म शौच क्रिया वगैरह करके स्नान करके 4:10 से पहले तैयार हो जाएं। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 48 मिनट का, जिसमें विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना और मंगल आरती कीर्तन और तो संगीत है, कीर्तन है, नृत्य है, ये सब करना। और फिर इसके बाद तुलसी का सिंचन करना, तुलसी की पूजा करना। एक नियम है कार्तिक में ब्राह्मणों को दान देना। तो ब्राह्मणों को दान देना, तो यहाँ पर आजकल ब्राह्मण जो है उनको माना जाता है जो कि जन्म से ब्राह्मण है, तो वास्तव में जन्म से ब्राह्मण नहीं होते। ये हरे कृष्ण आंदोलन लोगों को ब्राह्मण बना रहा है। तो ब्राह्मण एक योग्यता होती है, कोई जाति नहीं होती है कि ब्राह्मण के परिवार में कोई पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मणों को दान देने का मतलब यह है कि अगर हरे कृष्ण आंदोलन के जो मंदिर हैं तो उनमें अगर दान दिया जाए तो वो जो है सबसे अच्छा दान है। और फिर एक नियम है कार्तिक में दीपदान करना। तो भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं, इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वो सब विष्णु मंदिर हैं, तो विष्णु मंदिर में दीपदान करना। तो 7 दीपक को घड़े की सुई की दिशा में घुमाए कम से कम, तो वो जो है दीपदान का नियम होता है। तो इस तरह से दीपदान कर सकते हैं, अपने घर में भी भगवान के चित्र के सामने भी आप दीपदान कर सकते हैं। फिर एक नियम यह है कार्तिक का, यशोदा दामोदर की लीला का स्मरण करना। तो हमारे मंदिरों में यशोदा दामोदर की जो लीला है, दामोदर बंधन, ओखल बंधन, इसकी जो है झांकी बनाई जाती है, तो रोज़ हम झांकी का दर्शन करते हैं और दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं। तो दामोदराष्टकम में यशोदा दामोदर की जो लीला है उसका विशेष रूप से वर्णन है। और फिर इसके अलावा कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक हम नाम का जप करें और कृष्ण कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के जो प्रवचन हैं उनको सुनें। तो कार्तिक में ये सब जो नियम होते हैं भक्ति के, तो हम जितना अधिक करें उतना अच्छा है। इसके अलावा जो हमें नहीं करना है तो वो ये है कि उड़द की दाल का त्याग करना है कार्तिक के महीने में। और दूसरा नियम यह असत संग का त्याग करना, जो व्यर्थ की बातें होती हैं और लोग गपशप करते हैं या वैष्णवों की निंदा करते हैं, तो ये सब जो कार्य हैं कार्तिक के महीने में विशेष रूप से मना है। हमेशा के लिए मना है लेकिन कार्तिक में विशेष रूप से मना है। तो इस प्रकार से हमने कार्तिक के महीने की कुछ चर्चा की, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।